बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रदर एंड लेस एंड क्लॉथ, और आज हम नई वैरायटी के साथ आए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज मैं आपको दुपट्टे की वैरायटी फैंसी के अंदर और वैसे भी दिखाना चाह रहा हूं, तो चले आएँ शुरू करते हैं जी। हम आ चुके हैं इमरान भाई के पास, और इमरान भाई आज हमें दुपट्टे की वैरायटी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? सलाम। आज हमें आप दुपट्टे की वैरायटी में क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं साहब भाई आपको दुपट्टे की वैरायटी में, फैंसी की वैरायटी में दिखाने जा रहा हूँ मैं। जी जी, दिखाएं। जो कि डाइएबल है, प्योर। अच्छा, में मतलब इनको रंगाई किया जा सकता है, हर कलर में ये डाई होता है। बहुत जबरदस्त। ये चेक करें, ये प्योर ऑर्गेंजा है। जी जी, इसके ऊपर जरी का काम है ये सारा। ये मैं अगर आपको दिखाऊं करीब से, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऑर्गेंजा के ऊपर आप इसकी शर्ट भी बना सकते हैं। जी जी, आप इसका दुपट्टा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत किस्म का ये दुपट्टा है, फैंसी के अंदर जो डाइएबल है। अब इमरान भाई आपके दिखाएंगे, ये चेक करें, ये बूटी में बना हुआ है, ये भी डाइएबल है, ये भी प्योर ऑर्गेंजा है। इनका कोई वेट वगैरह भी होता है, वजन के अतबार से भी होते हैं कि ये? वजन के अतबार से नहीं होते, ये इसमें एक ऑर्गेंजा जो होता है ना, वो दो किस्म का आता है। एक होता है सिंथेटिक, जो डाई नहीं होता। अगर डाई होगा तो उसमें लाइट कलर आएंगे, डार्क कलर करेंगे तो ये जो जरी है, ये जरी के ऊपर कलर आ जाता है, जरी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये है कि जो मेरे पास है, ये डाइएबल है, ये प्योर है। बेस के ऊपर आप कोई भी कलर करवाएंगे, ये जो जरी है, जरी गोल्डन की गोल्डन ही रहेगी। और इनका साइज वगैरह क्या होता है, कोई साइज के बारे में? आम दुपट्टे से ये बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? ये इसका अर्ज जो है ना, सवा का जिसका अर्ज होता है, ये देखें, ये इसका अर्ज है, ये चौड़ाई है इसकी। अगर आप शर्ट बनाना चाहें तो मैक्सिमम इतना आपका घेर होगा, और ये जो है ना, इसमें से आपके बाजू आराम से निकलेंगे। सही। इसके अलावा भी हम और क्या दिखाएंगे? इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मिरर का काम हुआ है इसमें, शीशे का। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा। अब इसका दुपट्टा शर्ट भी बना सकते हैं, थोड़ा उठा के हमें रोशनी में दिखाएंगे ऐसे। ये चेक करें, ये शीशा लगा हुआ है इसमें। इसका भी इतना ही अर्ज है, सारा जरी का काम है, तिले के। इसका भी इतना ही अर्ज है, इसका भी इतना ही अर्ज है। जो ऑर्गेंजा मेरे पास प्योर है, उसका अर्ज जो है ना, वो प्रॉपर सवा का ही होगा। अब ये देखिए, ये दुपट्टा फैंसी में ऑर्गेंजा, अक्सर मुम्मा मेरी बहनें लेके आती हैं। ऐसे ही दिखाएं मुझे जरा, ये देखें, बहुत ही, ये सिल्वर गोल्ड की लाइन है, ये पल्लू पे इसका बॉर्डर बना हुआ है। बहुत इसी तरह से इस तरफ इसका बॉर्डर बना हुआ है, ये अक्सर मेरी बहनें लेके आती हैं। और ये लंबाई में कितने होते हैं, ढाई गज के होते हैं? लंबाई में ढाई गज इसकी लेंथ होती है, और ये इसका अर्ज है, ये चौड़ाई है, बड़े अर्ज में है ये दुपट्टा। ये देखें, ये इसकी चौड़ाई है, ये प्योर ऑर्गेंजा है, ये प्योर ऑर्गेंजा डाइएबल है। अच्छा, डाइएबल प्योर वो होता है जो डाई हो, जो डाई हो। इसके बाद मेरे पास है डाइएबल प्योर कॉटन नट, ये कसब की नट इसे बोलते हैं, जिसकी ब्राइडल मैक्सियाँ बनती हैं, फ्राकें बनती हैं, ब्राइडल मैक्सी वगैरह तैयार की जाती है इसकी। जी जी, ये दोनों तरफ से बॉर्डर है इसका। अच्छा, दोनों तरफ से वर्क है, सारे का वर्क किया गया है। ठीक है, ये नेट है, और ये किरण लैस लगी हुई है एक साइड पे। जी जी, और ये भी प्योर है, डाइएबल, आप इसे भी कोई कलर। अच्छा, डाई करने के बाद डाई में इसके ऊपर तो कलर नहीं आएगा, इनके ऊपर जो होता है सिंथेटिक, उसके उसको अगर डाई करें तो इसके ऊपर कलर आ जाता है। जो प्योर चीज होती है ना, उस वो उसको डाई करेंगे तो सिर्फ ये नट डाई लेगी या ऑर्गेंजा डाई लेगा। ये जो इसका काम है जरी का, वो डाई नहीं होता, वो गोल्डन का गोल्डन ही जाता है ऐसे ही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें क्या दिखाएंगे आप इमरान? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी एक ऑर्गेंजा मैंने बटा है, ये डाइएबल है, डाई किया हुआ है इसमें। ये देखें, ये भी ऐसे ही वाइट था जो डाई हुआ है, ये भी ऐसे ही वाइट था। ये चेक करें,
ये देख, ये होता प्योर खूबसूरत। ये डाई के बाद इसकी लाइनिंग देख लें। अभी मैं आपको इसमें वाइट दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसको डाई किया हुआ है, ये चीज़ है, ये चेक करें, ये चीज़ है, ये चीज़ डाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये चीज़ डाई हुई है, डिज़ाइनिंग है इसके अंदर, ठीक है। और ये डाइएबल है। अब ये देखें, इसका काम वैसे का वैसा है नफासत के साथ, जैसा कि वाइट में है। इसके बाद हमें क्या दिखाएंगे आप? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो जो नट मैंने अभी आपको दिखाई थी काम वाली, ये उसी नट पे है। ये इसका अर्ज है, तकरीबन 1.5 गज इसका अर्ज है। थोड़ा इसको अपनी तरफ उठा के दिखाएं अगर हमारे नाज़रीन को, तो सिर्फ अर्ज है जी जी, 1.5 गज इसका अर्ज है। ये इसके ऊपर पल्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर पल्स लगे हुए हैं, और पल्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं लॉक वाले, फिक्स पल्स जिन्हें हम कहते हैं, गम के साथ नहीं लगे हुए। ये देखें, ये उल्टी साइड है इसकी, ये देखें, ये लॉक लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि खींचने से ये निकलेगा नहीं। इससे दुपट्टा वगैरह तो डैमेज नहीं होता? नहीं, इसमें दुपट्टा डैमेज नहीं होता। ये है कि ये भी डाइएबल है, इस पर भी आप कोई भी कलर करवाएंगे, ये जो पर्ल्स है ये ऐसे तो वाइट के वाइट ही रहेंगे, इसके ऊपर कलर नहीं चढ़ेगा, इनके ऊपर कलर नहीं आएगा। इसी तरह इनमें जो इमरान भाई ये भी हमें बताएंगे, जो इन पे पल्स इस्तेमाल किए गए हैं इन दुपट्टों पे जी, तो वो उन पे कलर का मसला तो नहीं होता? यानी वो कोई काले या नीले या पीले इस तरह तो नहीं हो जाते? नहीं नहीं, जैसे ये वाइट है, ये वाइट के वाइट ऐसे ही रहेंगे जी। जी इमरान भाई, जी इमरान भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ शिफॉन में, जो शिफॉन के अंदर डाइएबल है, पहले फैंसी फिर नेट के साथ। ये भी फैंसी में है, ये देखें, चेक करें इसको, बड़ा ही खूबसूरत किस्म की डिजाइनिंग। और ये मेरे हाथ में चिकनकारी का भी इसमें काम कई सीक्वेंस से लगे हुए हैं इसमें गोल्डन कलर के, ठीक है। और ये दोनों तरफ से इसका बॉर्डर है जी जी, ये भी 1.25 गज अर्ज में है जी। और इसकी खसूसियत ये है कि इसको कोई भी आप कलर करेंगे, एम्ब्रॉयडरी भी उसी कलर में डाई होगी। ये नहीं होगा कि एम्ब्रॉयडरी का धागा वाइट रहेगा या किसी और कलर में चला जाएगा। जो कलर आप डाई करेंगे, जो कलर दुपट्टे पे आएगा, वही कलर इसकी एम्ब्रॉयडरी पे भी आएगा जी जी। और ये जो सिंक्वेंस लगे हुए हैं ये फैंसी के, ये गोल्डन के गोल्डन, ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेंगे, जो सितारा ऐसे ही रहेगा, गोल्डन रहेगा, गोल्डन का गोल्डन ही। इसमें मेरे पास एक और डिजाइन है, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखे, ये डिजाइन है इसमें, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का डिजाइन है, और वाइट के साथ दुपट्टे के साथ ये एम्ब्रॉयडरी भी की गई है। इसका भी बॉर्डर है, बड़ा खूबसूरत, ये भी डाइएबल है, प्योर बैमर शिफॉन पे ये बना हुआ है, जबरदस्त। और मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी 1.25 गज अर्ज में है मेरे पास, और ये दोनों तरफ से इसके बॉर्डर्स हैं, दोनों तरफ से बॉर्डर फैंसी है, फैंसी में। और ये लाइनिंग के अंदर है, जो लाइनिंग है ये नीचे ऑर्गेंजा है, इसके ऊपर करंडी की पट्टी चली हुई है। अच्छा, करंडी की पट्टी चली, करंडी की पट्टी चली हुई है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका बताने का, बहुत शुक्रिया साहब भाई, आपने हमें मौका दिया, ठीक है। आप बहुत शुक्रिया जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इन भाई का भी नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दुपट्टे की सेल परचेज के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।